हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी रोज़ रोज़ की टिंडे की सब्ज़ी खाकर बोर हो गए हैं? तो ये सब्ज़ी आपके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिंडे की एकदम नई सब्ज़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ के जी टिंडे अच्छे से वॉश करके छील के लम्बा लम्बा कट कर लिया है, और ये है 3 मीडियम साइज़ के आलू। इनको मैंने छील कर गोल गोल कट करके रख लिया है, इनको वॉश करेंगे। सारी सब्जी को मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में। अब डालेंगे इसमें पानी और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे और ढक्कन लगाकर बंद विसल लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है, गर्म की वजह से नहीं दिख रही। अच्छे से बॉईल हो गई है सब्जी। अब इसको छन्नी में डालकर इसका सारा पानी निकाल देंगे और पानी को अलग रख देंगे। उसको हम हमारी ग्रेवी बनाने में यूज करेंगे और सारी सब्जी को धीरे धीरे करके छलनी में निकालना है, जिससे उसकी बॉयलिंग प्रोसेस रुक जाएगी और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ये टमाटर, इनको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है, ब्लेंड कर लेंगे। टमाटर ब्लेंड हो गए, इनको साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था। अब इसमें डालेंगे हींग, जीरा और तेजपत्ता। अच्छी तरह से चटकने पर डालेंगे। मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक चॉप कर लिए हैं और 2 हरी मिर्च। इसको डालेंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए हमको इसको एकदम ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। हाई फ्लेम पर लगातार चलाते जाएंगे। अब हमारी प्याज अच्छी तरह सिक गई है, एकदम ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हाई फ्लेम पर ही चलाना है। टमाटर के जार में थोड़ा पानी डालेंगे और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको ऑयल छूटने तक लगातार चलाना है हाई फ्लेम पर। इस ऑयल छूटने तक पकाना है, क्योंकि फ्रेंड सब्जी में ऑयल के बबल्स निकलने लगे हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, चना मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। ये सारे मसाले उसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको भी हमको मिक्स करने के बाद ऑयल छूटने तक पकाना है, जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह सिक जाएं और प्याज टमाटर में उसका बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब इनको लगातार चलाना है जब तक ऑयल नहीं निकलने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले सिक गए हैं। अब इसमें हमने जो पानी निकाल के रखा था, हमारे टिंडे उबाले थे, वो गर्म पानी ऐड कर देंगे। और पानी हम हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जितनी ग्रेवी आपको पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए, उसके हिसाब से पानी डालना है। उतना ही पानी डालें जितनी सब्ज़ी हमको चाहिए, जितनी पतली गाढ़ी। पानी डालने के बाद अब इसको चलाना है, और पानी डालने के बाद ये उछलने लगता है, इसलिए इसको थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी में अच्छी तरह बॉईल आ गया है। अब हमारी बॉईल्ड की हुई सब्ज़ी सारी मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। अब बस एक बॉईल आने तक हमारी सब्ज़ी को पकाना है। हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसको करेंगे सर्व। फ्रेंड्स, मैंने हमारी सब्ज़ी को सर्विंग ट्रे में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और इसे चावल के साथ और रोटी के साथ सर्व करते हैं। बनके बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी बनती है और 10 मिनट में बनके बिल्कुल रेडी हो जाती है। और आप टिंडे की नई सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। राधे राधे।